We are live now. Hi guys, what's up? Good evening. कैसे हैं आप लोग? Hopefully आप लोग घर पर ही होंगे और घर से ही आप लोग अगर काम करते हैं तो काम कर रहे होंगे, अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर आप लोग मस्ती करते हैं तो घर पर ही मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि बाहर जाना इस वक्त बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम सब के लिए। 21 दिन के इस लॉकडाउन को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है। एंड जब बेस्ट पार्ट ये है ना कि आपको एक दूसरे को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, एग्जाम्पल सेट करना है एक दूसरे के लिए। हमेशा कोई बड़ा आदमी आके आपके लिए एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा, आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए, कि बॉस घर पे रहा जा सकता है, अच्छे से रहा जा सकता है, क्रिएटिविटी के साथ रहा जा सकता है और प्यार से रहा जा सकता है। सो प्लीज, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो घर पे, छोटा मोटा, भले ही झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे हो, मम्मी की हेल्प करने के लिए बर्तन ही क्यों ना धो रहे हो, सो आप उसको भी शेयर करिए लोगों से। एक बात घर पे रहके, और दूसरी बात यह कि अपने अपने लेवल पर सोशल मीडिया पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी और थोड़ा सा अवेयरनेस इसलिए फैलाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं और उनको हमारी मदद की जरूरत है। एंड वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उनकी मदद करें। सो प्लीज, आप अपने लेवल पर उनकी भी जरूर मदद करिएगा। बाहर जाकर सब लोग को हेल्प करने की जरूरत नहीं है, बाहर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं। सो अगर आप अपने लेवल पर घर पे रहकर भी उनकी मदद कर सकते हो तो आप सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आपको मालूम ही है, सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कहां से कौन सी चीज किससे किसको पहुंचानी है, कहां से कौन सी चीज कैसे ट्रांसफर करवानी है, ये सब हो जाता है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोग यहां पर आए हो। और आपको मालूम है आज एक बहुत ही स्पेशल लाइव सेशन होने वाला है विथ द वन एंड ओनली रफ्तार। ये और थोड़ी टाइम पहले रफ्तार भाई का एक गाना लॉन्च हुआ है, आपने डैम अगर आपने नहीं देखा, सो डैम मैन कम ऑन, क्यों नहीं देखा अभी तक आपने? इस चैट में हम लोग उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। और ही इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, इज अ वंडरफुल गाय, और क्या कहते हैं, मैं इतनी बार मिला हुआ हूं रफ्तार पाजी को, और इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी जबरदस्त बातें। एंड सीरियसली मैं बोल रहा हूं, जब जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इज ऑलमोस्ट देयर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन। या सो जी हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं तारीफों के पुल बांधना शुरू कर रहा था, बट आई थिंक हमारे पास नमस्ते, कैसे हो भाई? नमस्ते, कैसे हैं आप? घर बैठे हुए क्या जच रहे हो यार, वाह मजा आ गया। ये बउआ कैसा लग रहा है? आप बउआ बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। एक भाई के साइज की भी बनवाऊंगा और जल्दी पहुंचाऊंगा, लॉकडाउन खत्म हुए तो डेफिनेटली एक्सेल बनवाना भाई, मैं थोड़ी खुली पहनता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस डैम के लिए, और इस बहुत जबरदस्त है, अब तो मैं दे तानी डैम, मतलब वो लूप पे चल रहा है, दिमाग में घूम रहे हो। हाँ, इट टेक्स टाइम, मतलब वो थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, पर आप बार बार सुनोगे ना आपको वो समझ नहीं आएगा कि क्यों पसंद आ रहा है, पर वो आपको पसंद आएगा। बट आई थिंक बट पंगा उस गाने में, पंगा एक ये है ना कि अभी घर पे क्या है ना, आप दो तीन लोग के साथ ही हो, और घर पे अगर आप ये गाने गा के चल रहे हो ना तो मेरे को लोग घूर के देख रहे हैं, अब तो मैं देता नहीं डैम, क्या क्या हो गया तेरे को, जो मैं बोल रही हूँ वो तो का समय है वैसे। अभी डैम देने का समय है भाई, वो जो तुम कर रहे हो ना भाई, 21 दिन स्टे इन इज अमेजिंग। मैं उसमें कुछ छोटा सा ऐड करना चाहूंगा आपकी परमिशन हो तो, कि दिन मत गिन, क्योंकि ये 21 दिनों की बात नहीं है, ये 22वें दिन के बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है अचानक से आप 21वें दिन जैसी लॉकडाउन या क्वारंटीन खत्म होगा आप बोलोगे कि सब बीमारियां खत्म, ऐसा नहीं है अचानक से। क्या पता कितने लोग घर में बैठे हैं, जो क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लोग डरते हैं बाहर आके बताने में कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि आस पड़ोस के जो रिएक्शन होते हैं ना, वो समाज बीमारियों से ज्यादा खतरनाक है। अमेजिंग, उस रीजन से बात है, और रीजन से लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप 21 दिन के बाद भी, मेरी सलाह है, जैसे मैं ये करने वाला हूँ, कि अगले कम से कम हफ्ता 10 दिन मत निकलिए, खुद अपनी तरफ से आइसोलेट करिए अपने आप को, और रुक के एक बार देखिए नंबर्स कितने राइज हो रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिए, उसके बाद बाहर जाने का कदम उठाइएगा, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है। 21 दिन के बाद कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो डिलीट हो जाएगा, कोई वायरस नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल बीमारी जो म्यूटेट नहीं कर रही है अभी, पर अगर म्यूटेट करने लग गई तो हमें और मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज वो दवाइयों के आदि हो जाएगा, माहौल के आदि हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई रफ्तार आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे हैं, यार 22वें दिन कहाँ चलेंगे हम लोग, तो प्लीज कहीं जाना नहीं है आपको, प्लीज वेट करना है कि कैसे चीजें हो रही हैं आपके अगल बगल, कैसे हो रही हैं।
क्योंकि नंबर्स के बारे में मैं अगर बताऊं, हम डराना नहीं चाहते लेकिन ये नंबर्स बहुत जरूरी है, और अगर डर के पब्लिक घर में रहे तो भी बहुत बेहतर है। 30th जैन से लेकर 30th मार्च तक का जो टाइम था, उस टाइम तक आप समझिए 1 से लेकर 1000 तक का नंबर्स था, लेकिन 3 महीने में 1000 थे, लेकिन 3 दिन में 1000 से तकरीबन 2000 हो गए हिंदुस्तान में। सो आई थिंक वो क्या है ना, हाँ जी, एक तो ये बीमारी जो है ये 14 दिन 15 दिन के बाद रिजल्ट बताती है, आपको सिम्टम्स आते हैं, और कुछ लोगों की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है और वो फाइट कर रही है तो वो और लेट बताती है, तो आपको पता नहीं है कि इन बीच के दिनों के अंदर भी जैसे काफी लोग जगह अभी भी गैदर हो रहे हैं कि कब बीमारी हुई हो, किसको जाके कब इफेक्ट होगा, इसलिए पता नहीं है, सबर रखो बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई मरने से अच्छा डरना है। सो आई एम ओके सेइंग द फैक्ट दैट आई एम स्केयर्ड, आई एम वेरी ओके विद इट, कि पहली बार मुझे डर लग रहा है। बढ़िया, नहीं थैंक यू वेरी मच, ये डर लगना बहुत जरूरी है, सही बताया। अभी चल क्या रहा रफ्तार वैसे, आपका क्या शेड्यूल होता है, शेड्यूल बिगड़ा है या अभी शेड्यूल थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि पहले बहुत ट्रैवल होता होगा, शूटिंग्स इतनी सारी हो रही हैं, इतने सारे एपिसोड्स आ रहे थे आपके रियलिटी शोज के, सो क्या हाउ इज लाइफ नाउ ब्रो? देखो मैं अभी भी घर पे बैठा हूँ, मेरा सारा सामान मेरे पास है, लैपटॉप माइक है, स्पीकर है, जो बेसिक सामान है, स्टूडियो मटेरियल नहीं है, साउंड प्रूफिंग नहीं है, पर मेरे को क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्रिएट मैं कर पा रहा हूँ रोज, और ये बेस्ट टाइम है कि मैं सोच के अपने आप को उस टाइम में सीख भी पा रहा हूँ कि आई एम लर्निंग समथिंग एट द सेम टाइम अप्लाइंग इट, कि उसी टाइम पे मैं उसको अप्लाई भी कर रहा हूँ, तो वो एक प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ माइंड में ये नहीं चल रहा है कि एक ऐसा गाना बनाना है जिससे रिलीज होने के बाद मैं 3 महीने शो करूंगा, उसके बाद एक और हिट फेंकूंगा, फिर शो करूंगा, वो वाला सीन नहीं है, अभी क्रिएटिविटी का टाइम है, तो आप बहुत एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दैट इज हैपनिंग, बर्तन धोने लग गया हूँ भाई मैं खुद। पहले नहीं मिलते थे, पहले तो क्या ही धुलेंगे, कसम से मैं बता रहा हूँ, हम सोचते हैं ना जिम जाके रिस्ट की एक्सरसाइज कर करके, हाथों की करके वर्किश, तभी समझ आया माँ का चाटा तेज क्यों पड़ता है, अब समझ आया माँ का चाटा तेज क्यों पड़ता है भाई। अमेजिंग, नहीं सही बात है, ये बहुत अच्छी चीज है, और जब चाटे से माँ बच्चे सबक नहीं लेते तब तभी माँ चप्पल फेंक के मारती है। You know, और so, ये समय है, मैं सारी माओं को अपनी तरफ से एक अभिनंदन करना चाहूंगा छोटा सा, कि कि मारो रैप्टे खैच खैच के मारो जो जिसका बालक भर जा रहा है, ये समय है भाई, ये बहुत जरूरी है। सुपर, सो बर्तन धो रहे हो आप, म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो, और अपना अपने अपने लेवल पे आप लिख रहे हो, गा रहे हो या बना रहे हो चीजें, उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा भाई आप जिससे लोगों से बात होती रहती है और गाने का रिस्पांस देखने को मिल जाता है, लोगों से ज्यादा बात हो पा रही है, लाइक अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद द पीपल, वो इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी समय है लोगों से बात कर पाना, कोई मजाक भेजता है और उम्मीद रखता है कि शायद जवाब नहीं जाएगा, मैं जवाब दे देता हूँ, तो वो वाली चीजें जो हो रही है ना, दैट इज इट इज स्पिरिचुअल मैन, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सेटल होके एक स्थिरता आ गई है सब में, और सब रुक के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, देयर इज नो रनिंग अवे रनिंग इन लाइफ। अमेजिंग, एक चीज जो फैंस भी पूछना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ था जो रफ्तार ने सोचा था कि मैं ये करूंगा जब टाइम मिलेगा, तो सो अब तो टाइम है, तो अभी कुछ चल रहा है ऐसा, ये वेब सीरीज देखनी है या ये बुक पढ़ना है या सॉरी वैसा बैकलॉग तो बहुत था यार, मूवीज तो देखी नहीं पिछले साल, बाय गॉड्स ग्रेस ट्रैवल बहुत रहा, काम बहुत रहा, तो वो जो जितना भी कुछ स्किप हुआ है ना, जो बोलते थे कि यार तूने देखा नहीं, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा भाई, तो ऐसे मेरे जैसे काफी और भाई भी होंगे, पर मेरे आसपास ऐसा कोई भाई नहीं है, मेरे आसपास सारे भाइयों ने देखी हुई है, तो वो एक ऐसा टॉपिक होता है जब मैं ऑड वन आउट होता हूं, तो शायद प्रॉब्ली मैं वो भी खत्म कर दूं। सुपर, डैम के बारे में, ये गाना मस्त है, बढ़िया है, मजा आएगा इसको, और ज्यादा जितना टाइम होगा उतना ज्यादा ये गाना चढ़ेगा, सो इसके पीछे का क्या स्टोरी था, ये कभी सोचा था बनाने, ये कितने दिन में बना, क्या था इसके पीछे? पिछले साल मई में ब्रो मैं एक बीट बना रहा था और मैं रैंडमली ऐसे बीट्स बनाते रहता हूँ, तो इसकी बीट बन गई, जब बीट बन गई तो मेरे को लगा कि यार इस पे कृष्णा बहुत जचेगा, क्योंकि कृष्णा उस टाइम पे हिप हॉप के ना बहुत सब जॉनरास भी है, उसके नीचे भी अलग अलग क्लासिफिकेशन आती है, जैसे ओल्ड स्कूल होता है, क्या कहते हैं यूके, यूके का ड्रिल अलग है, ग्राइम अलग है, रैप मतलब ऑलमोस्ट एक रैप कोर भी होता है जो 6ix9ine करता था, आई टेल यू मोर मैन, जैसे ये वाला है दिस इज ट्रैप, तो ये ट्रैप वाला स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, और मैं कृष्णा इज ऑलरेडी यू नो somebody who's known for his trap style, तो मैंने भाई को बुलाया, भाई आए, हमने आगे कार्रवाई करना चालू करी, एक माइक उठाया उस पर रिवर्ब डाला और हम रैंडमली कुछ कुछ बोलने लगे, तो वही मैंने अंकित को भेज दिया कि ब्रो देता नहीं डैम कितना सही है, क्योंकि हो क्या रहा ना कि एनी नेगेटिविटी अराउंड मी
द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड, सबसे बढ़िया आगे जाने का तरीका है कि आप उसे इग्नोर करो, उस पर ध्यान ही मत दो. तो मैंने वो ध्यान देना छोड़ दिया. तो उस चीज की वजह से मैं, वो थॉट चल रहा था उस टाइम पे, स्टेट ऑफ माइंड वही था. तो एक गाना बनाया, अंकित को भेजा, अंकित ने सुना, और अंकित भी बहुत हिप हॉप म्यूजिक सुनता है और उसको फ्यूचर वगैरह भी बहुत पसंद है, जो मंबल रैपर्स है उसको बहुत पसंद है. उसने सुना, कह रहा यार ये बहुत ट्रैप लग रहा है, पर ये ना वैसा साउंड नहीं कर रहा जो ऑथेंटिक ट्रैप है आजकल. तो एंड ही सेंड मी समथिंग, वही गाना मैंने वॉइस नोट गाने में डाल दिया और उसके बाद मैंने वो ट्रैप वर्जन में कन्वर्ट कर दिया. एंड वी हैड दैट एक्सपेरिमेंट और आपके आपके आगे है. अमेजिंग. तो मैं पब्लिक को वापस से बोलूंगा, जिसने ये गाना अभी तक देखा नहीं है वो प्लीज जाकर यूट्यूब पर देखो इसको. और ये कुछ ऐसा इसका थंबनेल दिखता है एंड इट्स गोइंग वंडरफुल. सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन. एक चीज जो पब्लिक बोल रही थी वो ये बोल रही थी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू टीच पीपल, पीपल हू वॉन्ट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. ऑब्वियसली यू डोंट गेट टाइम वेरी ऑफन टू टॉक टू पीपल लाइक दिस. सो कैन यू स्टार्ट अ बिट ऑफ ट्यूटोरियल्स और समथिंग और गाइड पीपल सो दैट दे कैन, इफ दे वॉन्ट टू, पीपल up to you कि यार रैप सीखना है तो ऐसा करना चाहिए, स्टाइल भी होना चाहिए, शब्द भी होने चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए. तो ये लगेगा क्या, क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है अपने खुद के चैनल? ब्रो अभी कुछ दिन पहले मैंश पाजी ने एक वीडियो करी थी, वो काफी दिनों के अंदर ऐसे लाइव्स कर रहे हैं जिसमें वो बीट और बातें, जिसमें वो बीट्स के ऊपर बात करते हैं. वो प्रोड्यूसर्स के लिए, काफी ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक बनाते हैं, उनके लिए कोई सेगमेंट नहीं होता. क्योंकि अगर देखो हमारे लिए कोई म्यूजिक बना के नहीं देगा या हम खुद म्यूजिक बनाना नहीं सीखेंगे तो जो हमारे शब्द भी हैं और जो हमारी आवाज भी है ना वो आगे नहीं जा सकती. क्योंकि आप बिना बीट के कुछ डालोगे तो वो रिस्पांस नहीं देगा जो आपको एक ग्रूव देता है. तो प्रोड्यूसर्स बहुत जरूरी है. तो वो उन्होंने वो एक लाइव करना स्टार्ट किया था, उसमें मैं भी पीछे गया था, उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे काफी कुछ. उन्होंने उसके बाद देसी हिप हॉप का ब्रेकडाउन भी दिखाया बीट का, कि उन्होंने उस पर क्या क्या किया. तो काफी ऐसे लोग कर रहे हैं जिसके साथ मिलके कुछ ना कुछ करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ. उसके अलावा क्या कर पा रहा हूँ कि जो भी लोग मुझसे क्वेरी पूछ रहे हैं गाना भेज के कि इसमें क्या चीज बदलनी चाहिए, तो मैं उनको ये भी बता पा रहा हूँ कि इसमें कंप्रेसर थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा इक्वलाइजिंग कर लो, ऐसे कर लो. तो वो इंटरेक्शन बढ़ गई है, जैसे मैंने बोला था कि पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ गई है. और वो जो आप क्वेरीज बता रहे हो वही क्वेरीज होते हैं, बस यही है कि मैं उनको जवाब दे पाता हूँ. एक मैंने जरूर सोचा कि मैं एटलीस्ट लोगों को एक वीडियो बना के डाल के दूं जिसमें वो एक बेसिक बीट पैटर्न बनाना सीख ले. क्योंकि देखो एक बेसिक बीट पैटर्न बनाना आ गया ना तो आप एटलीस्ट उसके ऊपर अपना एक रफ डमी बना सकते हो, एक कच्चा ढांचा बना सकते हो जो आप किसी को भी देके बोलो कि भाई इस ढांचे के ऊपर मेरे को म्यूजिक इंप्रूव करना है. और कई बार क्या होता है वो ढांचा बनाते बनाते इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना कि आप पूरा संगीत बनाना सीख जाते हो. जबरदस्त, बहुत कमाल की बात है. संगीत अब सिर्फ 7 सुरों में नहीं है, अब बहुत आगे जा चुका है. लोग इलेक्ट्रॉनिक डीजेस जो है जितने भी है वो कोई सैंपल ऑर्गेनिक यूज नहीं करते हैं, वो कोई ऐसा ड्रम का आवाज या स्नेर का आवाज या तबला कुछ यूज नहीं करते हैं. वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट करते हैं सिंथेसाइजर्स में. तो वो उसकी एक अपनी पूरी स्टडी है जो आप कर सकते हो. ट्यूटोरियल सर्च मारो, ये बेस्ट टाइम है. सबसे बड़ी दुनिया की विश्वविद्यालय जो है वो यूट्यूब है. मैंने भी वहीं से सीखा है, आप भी वहां से सीख सकते हो. जबरदस्त. अच्छा इंडिया का टैलेंट कैसा है, हाउ डू यू सी, बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल हु वर्क इंटरनेशनली. सो इंडिया में टैलेंट कैसा ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है क्या, और उनको डायरेक्शन सही मिल रहा है क्या, उनके लिए एग्जांपल? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं. और मैं पॉलिटिकली करेक्ट होकर नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की ना एक खासियत है, यहाँ के लोग ना बहुत जल्दी सीखते हैं, मतलब कैचअप बहुत जल्दी करते हैं. इन्वेंशन तो हमारे यहाँ होती है पर कैचअप करने का जो वो जरिया है वो बहुत जल्दी है यहाँ पे लोगों का ना सीखना. तो बाहर कोई भी स्टाइल आता है तो यहाँ बहुत जल्दी उसको कॉपी नहीं करेंगे, इंस्पायर हो जाते हैं लोग और उसके अराउंड कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे. जो हिप हॉप को वहां पे 1960s 50s में बरोज में 70 में थोड़ा आगे आया, 80 में थोड़ा और बड़ा हुआ, 90s में इट वॉज नोन वर्ल्ड वाइड, 2000s वॉज द ब्यूटिफुल गोल्डन एरा ऑफ हिप हॉप. और उसके बाद अभी तो हम लोग को इतना पता है कि हम छोटे छोटे आर्टिस्टों को भी जानते हैं वहां के, क्योंकि YouTube आ गया, प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं. वो उन्होंने, उन लोगों ने जो वो जर्नी इतने सालों में कंप्लीट करी है वो यहाँ के लोगों ने पिछले 15 सालों के अंदर कर ली है. बोहेमिया पाजी आए थे जब बहुत मेनस्ट्रीम हो गया था, देन हनी सिंह केमन, देन बादशाह, मी, इक्का, लिल गोलू, ऑल दीज गाइज. और अब इतने सारे नए लोग आ गए हैं कि मतलब बंदों की गिनती नहीं है. बट जो ये फेज था, ये छोटा सा फेज, ये कवर कितनी जल्दी हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बोहेमिया टू अ मूवी बीइंग मेड ऑन हिप हॉप, इट वॉज अ जर्नी दैट वी कवर्ड रियली फास्ट. तो इंडिया कैचअप बहुत जल्दी करता है. और वही है कि हमको भी इसलिए रोज सीखना पड़ता नया क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख रहे हैं. तो ये याद रखना भाई कि जिसने किया आलस बस समझ जाओ तुम दिल्ली वाली भाषा में.
बढ़िया. नहीं तो ये जो टाइम मिला लोगों को, ये लोगों को क्रिएट करने का, सीखने का और लर्न करने का टाइम मिला, तो वंडरफुल. चलते चलते रफ्तार मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे. आपने बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट किया अपने पेजेस पे, अपने चैनल्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रिशिएट किया. What do you have to say about them? Because they are the fighters, corona warriors. वो आगे रहकर लड़ रहे हैं हमारे लिए. So any message for them? मेरी खुद सिस्टर है जो मेरे मामा की लड़की है, केरला में है इस टाइम, और फर्स्ट कजन ही है, और वो खुद एक नर्स है और वो फ्रंट लाइन से बैटल कर रही है. इसको बैटल नहीं करेंगे वो लोग, इसको अपना कर्तव्य मानते हैं वो, इसी के लिए सारी पढ़ाई करते हैं. फॉर देम इट्स अनदर डे. बट सिर्फ यही है कि लोगों की तादाद बढ़ रही है और परिश्रम ज्यादा लग रहा है, तो वो अपनी तरफ से ड्यूटी निभा रहे हैं. पर हमारे लिए वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोल्जर्स. वो देश को बाहर से बचाते हैं, ये देश को अंदर से बचा रहे हैं, तो दोनों बहुत जरूरी है. Amazing. एक लास्ट रिक्वेस्ट आई थी मुझे अभी मेरे मेरे पर्सनल मोबाइल पे आई कि व्हेनेवर रफ्तार क्रिएट समथिंग उसमें मैसेज भी होता है और एक डांट भी होती है. तो कोरोना में अभी भी लोग हैं जो बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला 21 दिन के बाद कुछ लोग हैं जो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ उस पर कुछ रैप या कुछ क्रिएशन आने वाला है जिससे कि उनको थोड़ा मैसेज मिले कि भाई स्टे एट होम, 21 दिन स्टे इन और दिन मत गिन. एग्जैक्टली. दिन तो मत गिन भाई, दिन मत गिन. अभी रुक, सर्वे करो, आसपास देखो, खबरें पढ़ो, उसके समझ के उसके हिसाब से बाहर जाओ. 21 दिन के बाद कोई जादू नहीं होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी सेम. यही ट्रबलसम रहेगा जब इटली ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखो, यहाँ से लोग बोलते हैं ना विदेश में क्या है, विदेश में कितना कुछ है, यहाँ से लोग भाग जाते हैं. वहां की हालत इतनी बिगड़ गई है तो यहाँ सोचो क्या होगा. क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज है पर बंदे बहुत ज्यादा है. समझ रहे, बंदों के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है. तो उस चीज की परेशानी आप लोगों को ना हो, आप उन बंदों में ना आओ जिसको रिसोर्सेस की जरूरत पड़ जाए, तो आप घर पे रहो. काफी रैपर्स ने गाना बना दिया है कोरोना के ऊपर. अभी मैंने आज ही देखा किसी ने मेरे को टैग किया है, मीवे ने भी निकाला है, आरसीआर ने भी निकाला है. काफी मेरे को लड़कों का इनबॉक्स में आया था कि भैया मैंने कोरोना पे रैप बनाया. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर यू नो अवेक, और काफी इन लोगों की रीच भी है, लोग पहुंच पाए हैं. तो अब यही होगा ना कि भेड़चाल हो जाएगी, सब कर रहे हैं. मेरी तरफ से सलाह यही रहेगी कि देखो जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और घर पे रहो, संभल के रहो. ठीक है, चलते चलते हम लोग डैम सुन सकते हैं क्या अभी थोड़ा सा? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. कभी कभी मुझे लगे मेरे पीछे एक साया जो आया है मुझे बताने के, वो आगे ज्यादा जो चाटे जमाने की लत पड़ी लगी जिन्हें औरों का खाने की. हाँ कितना ही खा लेंगे, हाँ कितना पचा लेंगे, हाँ ये भागे जो बावर्ची इनके तो खुद का बना लेंगे क्या क्या क्या, खुद तो संभालेंगे क्या, ये कर्मा मिटाएंगे कहा, हाँ हाँ खुद जो है घर पड़े हमको वो घर पे बिठा लेंगे क्या. पर घर पे बैठे रहो भाई, हम भी घर पे बैठे हुए, किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है. घर पे बिठा लोगे तुम, घर पे बिठा लो. नहीं नहीं, और मैं लोगों को फिर से बताऊंगा, इस वजह से नहीं, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू रफ्तार राइट नाउ, बट मैं लिरिक्स को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और पता नहीं क्यों रैप स्टाइल ओवरऑल प्रेजेंस वो तो बहुत अच्छा लगता ही है, बट जो लाइनें जो लिखी हुई हैं और एंड एंड तक जो लाइन जाती है वो, इनफैक्ट छोटी छोटी लाइन, मैं पता नहीं वो लाइन मेरे को ही हिट करती है या बहुत लोगों को करती होगी, कर्मा मिटा लेंगे, यू नो दीज थिंग्स आर नॉट वेरी सिंपल. ये इसके पीछे बहुत कहानी होगी, एंड होपफुली हम लोग जब स्टूडियो में मिलेंगे अगली बार जब ये लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन इन द वर्ल्ड. आने वाले बहुत कम लोग हैं भाई, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाती है. नहीं नहीं नहीं, दीज आर वेरी लाइक बहुत अमेजिंग लिखा हुआ है, एंड ऑल द बेस्ट, प्लीज स्टे ब्लेस्ड एंड कीप रॉकिंग एज यूजुअल. प्लीज पीपल, एक बारी जनता को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, जो मुझे पता है ये सारी जनता जो मेरे भी लोग जुड़े हैं, वो बउआ की आवाज में समझना चाहते हैं कि घर पे रहना क्यों जरूरी है. प्लीज घर पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वायरस ना बहुत घमंडी वायरस है रफ्तार जी, पता है, जब तक आप इसके पास नहीं जाओगे ना आपके पास नहीं आता. बहुत बढ़िया चीज है. किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, ये लाइन भी किसी ने बहुत अच्छी लिखी थी कि एकांत वरना देहांत. मैं देखा, मैं डर गया, मैंने बोला भाई इसने बहुत जबरदस्त. मैं इनकी लाइन आगे बढ़ा देता हूँ, अब शांत या सब शांत. थैंक यू, प्लीज टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, और आगे जल्दी मिलेंगे, स्टूडियो में मिलेंगे भाई. सेफ रहो भाई, खुश रहो और अपनी आवाज पहुंचाते रहो लोगों तक. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय. Oh, so that was Raftar. Obviously, बहुत amazing से artist हैं और amazing सा एक गाना उनका आया हुआ है अभी, Damn,
जिसको अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज यूट्यूब पर जाइए और डैम सर्च करिए, DAMN लिखते ही सबसे पहले डैम ही आपको दिखाई देगा। गाना बहुत जबरदस्त कर रहा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्रिएशन है। और देखिए हर आर्टिस्ट अच्छा होता है अपने अंदर से, और क्यों, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा झेला होता है, यू नो, हर आर्टिस्ट ने, चाहे वो पेंटिंग करता है, या वो बंदा गाना गाता है, या वो म्यूजिक बनाता है, तो उसकी वो मेहनत उसके हर एक क्रिएशन में दिखाई देती है। और अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो तो आपको वो चीज समझ में आएगी, जरूर क्लिक करेगी, इधर छुएगी इधर। सो प्लीज आप लोग उस गाने को भी जरूर देखिएगा। एंड द बेस्ट कि आप लोग घर पे ही रहिएगा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा इस वक्त। और आपके घर पे रहने के लिए ही हम लोग बहुत सारा कुछ कर रहे हैं रेड एफएम इंडिया के फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर। सो बउआ आगे भी आता रहेगा, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, रेड एफएम बजाते रहो, रेड एफएम कहता है 21 दिन स्टे इन। जय हिंद।